हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपकमिंग नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए रैपिड रिवीजन के लिए गोल्डन के पॉइंट्स को देखेंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा, रूबेला वैक्सीन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। रूबेला वैक्सीन जो होता है वो प्रेगनेंसी के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, क्योंकि रूबेला वैक्सीन एक लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, जिसकी वजह से जो डेवलपिंग फिटस है उसके अंदर रिस्क हो जाती है कि उसको हार्म पहुंच सकता है, इसलिए यह कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रूबेला वैक्सीन एडवाइस टू अवॉइड प्रेगनेंसी फॉर नेक्स्ट 1 to 3 months। रूबेला वैक्सीन को एडमिनिस्टर करने के बाद हमेशा हमें उस फीमेल को एडवाइस करना है कि अवॉइड करनी है प्रेगनेंसी फॉर नेक्स्ट 1 to 3 month के लिए। थर्ड पॉइंट है हमारा, मोस्ट पावरफुल एंड थिकेस्ट लेयर ऑफ यूट्रस। यूट्रस की लेयर की अगर हम बात करते हैं तो 3 लेयर होती है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। उसमें से जो मायोमेट्रियम होती है वो उसकी पावरफुल और थिकेस्ट लेयर के अंदर आती है। फोर्थ पॉइंट है हमारा, फ्रेनिक नर्व इज क्रूशियल फॉर डायफ्राम मूवमेंट एंड हेंस प्लेज ए वाइटल रोल इन ब्रीदिंग। जैसा कि आपको पता ही है, डायफ्राम जो होता है वो ब्रीदिंग के अंदर वाइटल रोल प्ले करता है और इसको जो सप्लाई करती है वो है हमारी फ्रेनिक नर्व। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सैक्रल प्लेक्सस एसेंशियल फॉर लोअर लिम मूवमेंट सेंसेशन एंड वेरियस पेल्विक फंक्शन। सैक्रल प्लेक्सस जो होता है वो एसेंशियल है हमारे लोअर लिम मूवमेंट के लिए, इसी के साथ ही वेरियस पेल्विक फंक्शन और उसके सेंसेशन के लिए भी इसेंशियल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, एक्सोप्लाज्मा। एक्सोप्लाज्मा द साइटोप्लाज्मा प्रेजेंट इन द एक्सोन ऑफ ए न्यूरॉन इज नॉन एज एक्सोप्लाज्मा। न्यूरॉन का एक पार्ट होता है एक्सोन, उसके अंदर जो साइटोप्लाज्मा प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं एक्सोप्लाज्मा। नेक्स्ट टर्म है हमारी एक्सोलेमा। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवरिंग द एंटायर एक्सोन इज नॉन एज एक्सोलेमा। एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एंटायर एक्सोन को कवर करती है वो हमारी कहलाती है एक्सोलेमा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं पायरेक्सिया के ऊपर। पायरेक्सिया जो टेम्परेचर होता है उसके अकॉर्डिंग इसका क्लासिफिकेशन अलग अलग होता है। सबसे फर्स्ट आएगा हमारा 99 डिग्री से 100 डिग्री फॉरेनहाइट के बीच में, तो वो हमारा कहलाता है लो पायरेक्सिया या माइल्ड पायरेक्सिया कहते हैं। अगर टेम्परेचर रेंज है हमारा 100 से लेकर 103 डिग्री फॉरेनहाइट के बीच में तो वो पायरेक्सिया हमारा मॉडरेट पायरेक्सिया कहलाता है। अगर टेम्परेचर रेंज है हमारा 103 से लेकर 105 डिग्री फॉरेनहाइट के बीच में तो उसे हम हाई पायरेक्सिया कहते हैं, और 105 डिग्री या उससे ज्यादा है तो वो उसके लिए टर्म यूज में ली जाती है हाइपरपायरेक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्लोरामफेनिकोल ड्रग कॉजेज ग्रे बेबी सिंड्रोम इन इन्फेंट्स इन चिल्ड्रन। ग्रे बेबी सिंड्रोम जो होता है क्लोरामफेनिकोल ड्रग की वजह इन्फेंट और चिल्ड्रन में होता है। नेक्स्ट है हमारा अमीबेसिस। अमीबेसिस ट्रांसमिटेड वाया द फिकल ओरल रूट। अगर पूछा जाता है इसका ट्रांसमिशन किससे होता है तो वो होता है फिकल ओरल रूट से। This occurs when people ingest food or water contaminated with the cyst of the parasite Entamoeba histolytica. Amoebiasis disease condition जो होती है वो Entamoeba histolytica की वजह से होती है। इसके parasite जो होते हैं उनके cyst present होते हैं contaminated food और water के अंदर, और उसे ingest करने की वजह से जो disease condition होती है वो है हमारी amoebiasis. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, स्कॉच टेप स्वाब टेस्ट इज यूज टू आइडेंटिफाई पिनवॉर्म इन्फेक्शन। अगर हमें पिनवॉर्म इन्फेक्शन को आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए स्कॉच टेप स्वाब यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इनहेलेशन ऑफ शुगर डस्ट कैन लीड टू ए कंडीशन नॉन एज बेगासिस। शुगर कैन डस्ट जो होती है उसके इनहेलेशन की वजह से जो कंडीशन डेवलप होती है उसे बोलते हैं बेगासोसिस। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, स्ट्रेप्टोमाइसिन इज एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। स्ट्रेप्टोमाइसिन जिसे कि हम टीबी के अंदर यूज में लेते हैं, यह ड्रग जो होती है हमारी एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन के अंदर आती है ड्यूरिंग प्रेगनेंट के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, काला आजार इज ए पैरासाइटिक डिजीज ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल सैंडफ्लाइज। फर्स्ट ऑफ ऑल, काला आजार जो है हमारी पैरासाइटिक डिजीज है जो की ट्रांसमिट होती है बाय द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल सैंडफ्लाइज। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, गुथरे टेस्ट इज यूज्ड टू स्क्रीन फॉर फिनाइलकीटोन्यूरिया। फिनाइलकीटोन्यूरिया का स्क्रीनिंग करने के लिए हम गुथरे टेस्ट को करते हैं। नेक्स्ट है प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज रेफर्स टू एक्सेसिव ब्लीडिंग दैट अकर्स विद इन द फर्स्ट 24 आवर्स आफ्टर चाइल्ड बर्थ। अगर हमें जो पीपीएच का कंडीशन है वो विद इन फर्स्ट 24 आवर्स आइडेंटिफाई हो रहा है तो हम उसे प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, फुल फॉर्म ऑफ आशा। आशा का फुल फॉर्म क्या है? एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। नेक्स्ट है, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी ड्यूरिंग फर्स्ट ऑफ प्रेगनेंसी कैन कॉज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी होती है तो हमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का कंडीशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, एन इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी बीसीजी ओपीवी एंड हेपेटाइटिस बी वैक्सीन आर एडमिनिस्टर्ड एट बर्थ। जो भी डिलीवरीज इंस्टीट्यूशनल होती है उसके अंदर बीसीजी, ओपीवी और हेपेटाइटिस बी का जो वैक्सीनेशन होता है वो एट बर्थ हो जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम देखने वाले हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स। चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट फैक्टर नंबर फर्स्ट है हमारा, जिसे कि हम फिब्रिनोजन कहते हैं। फैक्टर सेकंड, जो कि प्रोथ्रोम्बिन कहलाता है। थर्ड, जिसे हम थ्रोम्बोप्लास्टिन कहते हैं। फोर्थ, कैल्शियम फैक्टर। फिफ्थ, लेबाइल फैक्टर। सेवन, स्टेबल फैक्टर। एट, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। नाइन, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी। टेन, ब्लड पावर फैक्टर। 11, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, जिसे कि शॉर्ट में पीटीए भी बोलते हैं। 12 है हमारा हैगमैन फैक्टर और 13 है हमारा फिब्रिन स्टेबिलाइजिंग फैक्टर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर इज द फर्स्ट रेफरल यूनिट। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो होते हैं वो फर्स्ट रेफरल यूनिट होती है। नेक्स्ट, नियासिन विटामिन B3 डेफिशिएंसी कॉजेस पेलेग्रा, विच इंक्लूड्स 3D सिम्टम्स, डायरिया, डिमेंशिया एंड डर्मेटाइटिस। नियासिन, जिसका साइंटिफिक नेम है हमारा विटामिन B3, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो इसकी वजह से पेलेग्रा डिजीज कंडीशन होती है, जिसके अंदर हमें 3D सिम्टम देखने को मिलते हैं। 3D का मतलब है डायरिया, डिमेंशिया और डर्मेटाइटिस। नेक्स्ट, पॉलिशिंग ऑफ राइस कैन लीड्स टू लॉस ऑफ विटामिन B1 थायमिन। पॉलिशिंग ऑफ राइस से क्या होता है, हमारे राइस में जो विटामिन B1 होता है, जिसका साइंटिफिक नेम है थायमिन, वो लॉस हो जाता है। पॉइंट द कोल्चिन टू मेंटेन द इफेक्टिवनेस एंड सेफ्टी ऑफ वैक्सीन्स बाय कीपिंग देम एट रिक्वायर्ड टेम्परेचर थ्रू आउट देयर डिस्ट्रीब्यूशन। वैक्सीन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, हमें उनका टेम्परेचर मेंटेन करके रखना होता है, इसीलिए जो होती है वो कोल्चिन को यूज में लिया जाता है। कोल्चिन मतलब हमें मेंटेन करना है इफेक्टिवनेस और सेफ्टी ऑफ वैक्सीन का, उसके रिक्वायर्ड टेम्परेचर को थ्रू आउट देयर डिस्ट्रीब्यूशन हमें फुलफिल करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कंटेन टोटल 28 पिल्स। ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो होती है उसके अंदर टोटल जो होती है वो 28 पिल्स होती है, जिसमें से 21 तो हॉर्मोनल पिल्स होती है, लेकिन जो 7 है आयरन टेबलेट्स होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, रोटावायरस वैक्सीन इज एडमिनिस्टर्ड ओरली। रोटावायरस वैक्सीन का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो है हमारा ओरली। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एवी हार्ट ब्लॉक्स। चलिए अब हम इसका डिग्री देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट यहाँ पर हमें 4 डिग्री दी गई है। सबसे फर्स्ट डिग्री ब्लॉक, जिसके अंदर क्या होता है, यूनिक प्रोलॉन्ग्ड पीआर इंटरवल होता है। सेकेंड डिग्री ब्लॉक, जिससे कि हम मॉबिड्स टाइप फर्स्ट कहते हैं, इसके अंदर प्रोग्रेसिव पीआर इंटरवल प्रोलोंगेशन होता है। इसके बाद सेकेंड डिग्री ही ब्लॉक होता है, जिसे कि हम मॉबिड्स टाइप सेकेंड कहते हैं, इसके अंदर सडनली कंडक्शन फेल्योर हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है थर्ड डिग्री ब्लॉक, जिसके अंदर की कोई एवी कंडक्शन नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पेंडेमिक स्प्रेड ऑफ डिजीज अमंग लार्ज पॉपुलेशन। पेंडेमिक का मतलब होता है उस डिजीज का स्प्रेड जो है हमें वो लार्ज पॉपुलेशन के अंदर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, जिसके अंदर हमें लो ग्रेड आफ्टरनून फीवर देखने को मिलता है। नेक्स्ट है न्यूमोनिया, जिसके अंदर रस्ट कलर्ड स्पुटम होता है। अस्थमा, वीजिंग ऑन एक्सपीरेशन देखने को मिलेगा। एम्फाइसेमा डिजीज कंडीशन के अंदर बैरल चेस्ट का कंडीशन देखने को मिलता है। इसके बाद आता है कावासाकी सिंड्रोम, जिसके अंदर की स्ट्रॉबेरी टंग देखने को मिलता है। वहीं अगर बात की जाती है परनीशियस एनीमिया की, तो इसके अंदर रेड बिफे टंग देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है हमारा डाउन सिंड्रोम, जिसके अंदर प्रोट्रूडिंग टंग जो होती है वो कंडीशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉलेरा, जिसके अंदर राइस वाटर स्टोर होता है और वॉशर वुमेन्स हैंड्स हो जाते हैं, यानी कि रिंकल्ड हैंड्स होते हैं डिहाइड्रेशन की वजह से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम देखेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेसेस। टोटल जो होते हैं यहाँ पर 4 फेसेस होती हैं, मेंस्ट्रुअल फेस, फॉलिकुलर फेस, ओव्यूलेशन और ल्यूटियल फेस। मेंस्ट्रुअल फेस का जो ड्यूरेशन होता है वो हमारा day 1 से लेकर day 5 तक होता है। फॉलिकुलर फेस का जो ड्यूरेशन होता है वो होता है day 6 से लेकर 13 तक। ओव्यूलेशन अराउंड day 14 को होता है और ल्यूटियल फेस जो होती है वो 15 से लेकर 28 डेज के बीच की होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट्स की तरफ। मिजल्स, कॉप्लिक स्पॉट। मिजल्स के अंदर हमें जो देखने को मिलता है वो होते हैं कॉप्लिक स्पॉट। अब हमें यह भी पता होना चाहिए कि कॉप्लिक स्पॉट जो होते हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। क्लस्टर्ड व्हाइट लेशंस होते हैं बक्कल म्यूकोसा में, वो हमारे कॉप्लिक स्पॉट कहलाते हैं, जो कि मिजल्स डिजीज कंडीशन के अंदर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसस, जिसे कि आप शॉर्ट में SLE कहते हैं। इसके अंदर जो रशेस होते हैं वो बटरफ्लाई रशेस होते हैं। उसके बाद आता है बुलिमिया, जिसके अंदर हमें चिपमुंग फेसेस देखने को मिलता है पैरोटिड ग्लैंड में स्वेलिंग की वजह से।
उसके बाद आता है हमारा अपेंडिसाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द अपेंडिक्स, जिसके अंदर क्या होता है, रिबाउंड टेंडरनेस होती है एट मैकबर्नेस पॉइंट पर। नेक्स्ट है हमारा टिटेनी, जिसके अंदर हाइपोकैल्शेमिया होता है, और यहाँ पर दो साइन हमको प्रेजेंट देखने को मिलते हैं, फर्स्ट है ट्रोशियस साइन और दूसरा होता है ज्वास्टिक साइन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पाइलोरिक स्टीनोसिस, जिसके अंदर की आपको प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग देखने को मिलती है, इसी के साथ ही ऑलिव लाइक मास भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पेटेंडक्टस आर्टेरियोसिस, जिसके अंदर की हमें वॉशिंग मशीन लाइक मर्मर सुनने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ग्रेव्स डिजीज, जो कि हमें हाइपरथायरॉइडिज्म की कंडीशन के अंदर देखने को मिलता है, इसके अंदर एक्सोथेलमस का कंडीशन देखने को मिलता है। एक्सोथेलमस का मतलब होता है बल्जिंग ऑफ द आई आउट ऑफ द ऑर्बिट, आईज का जो ऑर्बिट है उससे बाहर की ओर आईज जो होती है वो निकली हुई मिलती है, यानी कि बल्जिंग आउट हो जाती है।